वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है एंड कंपाउंड्स ऑफ डीब्लोक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच सेम सब्सटेंस अंडरगोज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन सिमुलटेनियसली इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही सब्सटेंस का रिडक्शन हो, उसी का ऑक्सीडेशन हो एक साथ, ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन या सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, सेल्फ रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल, क्यूप्रेसाइन टू फॉर्म क्यूप्रिकाइन एंड कॉपर मेटल। यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन है और यहाँ से यहाँ रिडक्शन है बेटा, तो रिडक्शन भी क्यूप्रेसाइन का हुआ, ऑक्सीडेशन भी क्यूप्रेसाइन का हुआ बेटा। अच्छा क्वेश्चन आता है बेटा कि क्यूप्रेसाइन इज अनस्टेबल या डज नॉट एग्जिस्ट इन एक्वा सोल्यूशन या कॉपर वन सोल्ट आर अनस्टेबल। वाई? बिकॉज क्यूप्रेसाइन अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ 3D9 है बेटा, लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा स्टेबल है, और ये 3D10 है लेकिन स्टेबल ये नहीं है, ये ज़्यादा स्टेबल है बेटा। इसी तरह से बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये दो वाटर और एक ऑक्सीजन बेटा, यहाँ से यहाँ रिडक्शन है बेटा और यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन है बेटा, तो रिडक्शन भी इसी का, ऑक्सीडेशन भी इसी का। सेलेनियम क्लोराइड बेटा 2 मोल लेते हैं, 3 सेलेनियम बनेंगे, 1 सेलेनियम टेट्रा क्लोराइड बनेगा। यहाँ से यहाँ रिडक्शन है और यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन है बेटा, इसी का रिडक्शन इसी का ऑक्सीडेशन। 4 मोल हम H3PO3 लेते हैं बेटा, इसको हम तोड़ेंगे बेटा, 3 फास्फोरिक एसिड बनेगा और 1 बनेगा बेटा फास्फोरिक एसिड और 1 PH3 बेटा। यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल के साथ माइनस वन की प्लस वन होती है, तो माइनस है ये बेटा, ये रिडक्शन है बेटा और ये ऑक्सीडेशन है भाई, तो उसी का रिडक्शन उसी का ऑक्सीडेशन। दीज आर एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कैनिजरो रिएक्शन, वो भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है बेटा। तो नेक्स्ट है बेटे कंपाउंड्स ऑफ डीब्लोक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट। तो 2 कंपाउंड अपने सिलेबस में है बेटा, लेकिन अब की बार CBSE बोर्ड में कोरोना के कारण बेटे वो डिलीट कर दिए गए हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे बेटे, आगे कम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे। नंबर 1 है बेटा KMnO4, इसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं बेटा। प्रिपरेशन की जब हम बात करते हैं तो इसको बेटे पायरोलोसाइट ओर से बनाते हैं, 2MnO2, ये पायरोलोसाइट ओर है, 4KOH बेटा और 1O2, क्या बनेगा बेटे 2 मोल K2MnO4 प्लस बेटे 2 वाटर, ये पायरोलुसाइट ओर है बेटे, पायरोलुसाइट ओर, और ये पोटेशियम मैग्नेट है। सेकंड स्टेप में क्या होगा बेटा, ये जो 2 मोल हैं पोटेशियम पर मैग्नेट के, K2MnO4 क्लोरीन गैस पास करेंगे बेटा, तो 2 पोटेशियम पर मैग्नेट बन जाएगा बेटा और 2 KCl बेटा। तो ये हमारे मेथड अपने सिलेबस में है बेटा, हाउ विल यू प्रिपेयर KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट फ्रॉम पायरोलुसाइट ओर। सेकेंड जो कंपाउंड है बेटा वो है K2Cr2O7, इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं बेटा, इसको फेरोक्रोम आयरन क्रोम आयरन
क्रोमाइट और से बनाएंगे। तो प्रिपरेशन की जब बात आएगी बेटा, तो तीन स्टेप में होती है इसकी प्रिपरेशन। पहला स्टेप में बेटे फॉर्मोल हम लेंगे बेटे Fe Cr2O4, 16 अन्य OH बेटे याद रखना है, 7 O2 भी याद रखना है। ये बनेगा बेटा 8 Na2 Cr4, 2 Fe2O3 और 8 H2O बेटा। सोडियम क्रोमेट है बेटा, ये क्रोम आयरन है, ये क्रोमाइट और है, फेरोक्रोम है। सेकंड स्टेप में 2 मोल ले लेंगे बेटा सोडियम क्रोमेट के बेटा, H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे बेटा, एसिडिफिकेशन बोलते हैं। तो सोडियम डाइक्रोमेट बनेगा Na2Cr2O7 प्लस सोडियम सल्फेट बेटा और प्लस वाटर। तीसरे स्टेप में बेटा हम सोडियम डाइक्रोमेट को रिएक्शन करेंगे 2KCl के साथ। पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम से, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में 10th क्लास में हमने देखा है बेटा। तो पोटेशियम सोडियम की जगह आ जाएगा बेटे पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस 2NaCl बेटा। तो हाउ विल यू प्रिपेयर पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइट क्रोम आयरन, इसी का नाम क्रोम आयरन है, क्रोमाइट ओर है, क्रोमाइट ओर, क्रोम आयरन, क्रोमाइट ओर, फेरोक्रोम, फेरोक्रोम बेटा। हम इसकी जगह बेटा 8 सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं, तो क्या होगा 8 वाटर की जगह बेटा 8 कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा और कुछ नहीं होगा बेटा, बाकी चीज़ सेम रहेंगी बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, हाउ विल यू प्रिपेयर KMnO4 एंड K2Cr2O7 फ्रॉम पायरोलुसाइट ओर एंड क्रोम आयरन रिस्पेक्टिवली। फिर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा, तो ध्यान से देखना बेटे आप केमिकल प्रॉपर्टी को। KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, क्यों? क्योंकि KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, हाइएस्ट है, इस तरफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और K2Cr2O7 में भी क्रोमियम +6 है बेटा, ये भी हाइएस्ट होती है, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। ये कभी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होंगे बेटा, बिकॉज दे हैव नो एबिलिटी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे कैन ओनली गेन इलेक्ट्रॉन, दे कैन ओनली डिक्रीज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, दे कैन नॉट इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट इज वाई दे एक्ट एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे डू नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। अब थोड़ा सा हम ध्यान से देखें बेटा, एसिडिक मीडियम की हम बात करते हैं बेटा। अब फेरस आयन कोई भी हो बेटे, इनमें से चाहे ये हो चाहे ये हो, रिएक्शन हम देखेंगे बेटा। तो फेरस आयन से फेरिक आयन बनेगा, मैग्नीज है वो चेंज हो जाएगा बेटा +2 में बेटा, क्रोमियम है वो हो जाएगा +3 में बेटा। चाहे फेरस आयन हो बेटा, चाहे प्लम्बस आयन हो, तो प्लम्बिक आयन बनेगा बेटा, ये सेम रहेंगे भाई। स्टेनस आयन है बेटा, तो स्टेनिक आयन बन जाएगा और ये सेम रहेंगे बेटा। नाइट्राइट है बेटा, तो नाइट्रेट बन जाएगा, ये सेम रहेंगे बेटा। सल्फाइट है बेटा, तो सल्फेट बन जाएगा, ये ऐसे बेटे +2 +3 रहने हैं बेटा। सल्फाइड है बेटा, वो सल्फर में चेंज हो जाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा। बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं बेटा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाई हाफ इक्वेशन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, पार्शियल इक्वेशन मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से बेटा ट्रांजिस्टर एलिमेंट की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, डीब्लोक एलिमेंट की भी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होती है बेटा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, हाउ विल यू प्रिपेयर पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड आल्सो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बोथ बेटा। तो उम्मीद है बेटा
आप बच्चों को आज का टॉपिक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एंड कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट समझाया होगा। आपको बार बार एक ही बात कही जाती है बेटा कि पहले आपको लर्न करना है, फिर उसको रफ नोटबुक में लिख के देखना है बेटा, फिर आपको मनन करना है, इसके बाद आपका उस टॉपिक के ऊपर बिल्कुल एकाधिकार हो जाएगा बेटा, आपका पेटेंट हो जाएगा, आपको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन। हैव ए नाइस डे।